लॉकडाउन के संकट के बावजूद अभी भी कई फाइनेंस कंपनियों द्वारा ईएमआई की वसूली के साथ पेनल्टी चार्ज वसूल करते हुए आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध स्वरूप आवेदन पत्र दिया गया। कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश में करीबन 60 दिन दो महीने का कड़ा लॉकडाउन किया गया, जिसमें लोगों के धंधा नौकरी भी बंद रहते हुए लोगों की आर्थिक परेशानियां बढ़ते हुए आमदनी भी बंद हो चुकी, जिसके बाद सरकार द्वारा लॉकडाउन 4.0 में कड़े नियमों के साथ धंधा रोजगारी के लिए राहत और छूट दी गई है। तो वहीं सरकार ने लोगों को राहत देने के आशय से अपने बैंक लोन, फाइनेंस कंपनी के लोन हफ्ता इंस्टॉलमेंट जिसमें 3 महीने के लिए भरने की राहत दी थी, लेकिन अभी भी कोई लेट फी पेनल्टी चार्ज वसूलने को इनकार किया गया था। दो महीने के लॉकडाउन के बाद अब कई फाइनेंस कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों के पास ईएमआई की वसूली के साथ पेनल्टी की भी पठानी वसूली की जा रही है। जाहिर सी बात है कि दो महीने के लॉकडाउन के बाद अब लोग धीरे धीरे धंधा नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी फाइनेंस कंपनी द्वारा ईएमआई के साथ पेनल्टी चार्ज लेते हुए ग्राहकों की हालत कठिन बन रही है, जिसका वडोदरा शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए आज प्रमुख, उप प्रमुख सहित के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कचेरी में आवेदन पत्र दिया था और ऐसी फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई थी। आवेदन पत्र आज वडोदरा शिवसेना शहर प्रमुख प्रदीप भाई बागुल तेमज शहर उपप्रमुख हिमांशु भाई ठक्कर की आगेवानी में अमे आज कलेक्टर श्री ने आवेदन अपाया था। मुद्दों ये है कि जे प्रमाण कोविड-19 की महामारी चाली रही है, लोग आटा टाइम थी घरे है, जे छता पण कोई कई काम धंधो नहीं अने जे फाइनांस कंपनी वाला है तो उघाड़ी लूट चढ़ाई रहा है, घड़े घड़े चेक रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों ने धमकावी रहा है। आज लोगों पास धंधो नहीं, खावा पैसा नहीं, तो ईएमआई के रीतना भरसे। सरकारे सारी एक पहल करी है कि 3 महीना ने एक्सटेन्शन आप तो मारे सरकार से ने एक विनंती है तमारा माध्यम थी कि आज प्राइवेट कंपनी वाला है सेक्टर वाला है ये अपने परिपत्र आपवानुं कहो कि जेनथी वडोदरा की जनता ने राहत थाय। तमारा माध्यम थी जणावा मांगू छूं कि जे पण पठाणी उघराणी करी रह्या छे बराबर, आ पठाणी उघराणी पूरतुं ठीक छे, जो हवे पछी कोई कम्प्लेन शिवसेनामां जो आई तो पछी अमे जे अत्यारे हाथ जोड़ीने विनंती करी रह्या छे, पण आवनारा दिवसो पछी हाथ खोलवानी पण अमारी ताकत राखीशुं अमे। दीपक पालकर, वडोदरा शिवसेना सहप्रवक्ता।